आज मैं बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा मैम को, क्योंकि मैम ऑलरेडी आज गुस्से में है। गुस्से में क्यों, गलती करूंगी तो डांट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्रिया रजिता ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और फिर से आ गई हूँ नए ट्रेनिंग के साथ। आज देखते हैं पैटर्न में क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। और मैंने किसी के मुंह से ये भी सुना था कि किसी को फ़ोन पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, अभी पकड़ना नहीं आ रहा, तो शायद मैं बता दूँ उसमें भी कि कौन कैसे। सो गाइस, मेरा पैटर्न रेडी हो चुका है और कोन रेडी हो चुकी है। मैंने अपना पैटर्न क्लीन कर चुकी थी, अब स्टार्ट करते हैं। आज क्या बनाते हैं देखते जाओ क्या बनेगा। डेली नॉर्मली मैं मॉडर्न आर्ट सिखा रही थी सर जी, आज थोड़ा सोचा मैंने कि मैं ही अलग बनाती हूँ। मेरी लाइनिंग टेढ़ी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा फोकस नहीं है पर। तो फोकस कहाँ है आकाश? आज काफी लेट हो गया इसलिए फोकस नहीं है। गाइस, आज मैम गुस्से में हैं और मैम कहती हैं हमेशा कि आप बहुत डांटते क्या हो, तो आज मैं बिल्कुल डांटूंगा नहीं, बहुत न्यूट्रल रहूंगा मैं। देखो मैम से एकदम लाइन परफेक्ट नहीं बन रही है। अभी भी मैम लाइन एकदम टेढ़ी क्लिक कर रही हैं, ये देखो। ठीक है, चल ओके जाएगी, नॉट बैड। एक बार और आउटलाइन दो गाइस। के आप भी ऐसी गलतियां करते हैं? देखो अगर आप भी ऐसी गलतियां करते हैं ना, तो आपको सिंपली कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है अपने पैटर्न पे, फोकस एंड फेथ, फेथ करना है खुद पे। ठीक है, आराम से दो, बस स्टॉप कर दो, गुड। अगेन आउटलाइन ड्रॉ करो, हाँ, आराम से पुश करते जाओ, टच करते जाओ, आराम से कोना आगे बढ़ाते जाओ। गाइस देखो, आज मैं बहुत ज़्यादा हम्बल रहूँगा और न्यूट्रल रहूँगा। रीजन, क्योंकि ट्रेन में एक ही इंजन होता है, अगर एक इंजन स्टार्ट हो तो दूसरे इंजन को चुप रहना पड़ता है। ये देखो, बहुत प्यार से, गुड, वेरी गुड। थोड़ी सी टेढ़ी हुई है लाइन, नॉट बैड। अब इन दोनों आउटलाइंस को हम ज्वाइंट करेंगे, बोल्ड करेंगे, और जब हम बोल्ड करें तो आराम आराम से टच करना है, पुश करना, और एक ही बार में आराम से इसको ड्रॉ करें। इसको बार बार रिपीट ना करें, टेपिंग नहीं करना है हमें, क्लैरिटी के साथ इसको हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके ऊपर आउटलाइन एंड स्मॉल सर्कल्स का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक सर्कल्स को हम आराम से ड्रॉ करेंगे क्लैरिटी के साथ। देखो गाइस, क्लास मैम की है लेकिन बोल मैं रहा हूँ, कमाल है। क्योंकि अगर मैम बोलेंगी तो मैम का जो कॉन्सेंट्रेट टूट जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूँ, आपके गुड न्यूज़ के लिए, ये क्लास शूट हो रही है, देखिए 12:29, देख पा रहे हैं आप? मतलब सोचिए गाइस, 12:30 बजे रात को ये क्लास शूट हो रही है, और मैम आपका कितना ख्याल रखती हैं ताकि आप अच्छे से ट्रेंड हो जाएं, जल्दी से आप आगे बढ़ें। तो गाइस इसी बात पे लाइक बनता है ट्रेनिंग को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक तो बनता है यार। सोचो गाइस, मैम इतनी नाइट में आपके लिए मेहनत कर रही हैं, और आपकी अपनी क्या राय है इस ट्रेनिंग को लेके कमेंट्स जरूर करें। जिन लोगों को इस ट्रेनिंग से वाकई में हेल्प मिलती है वो लोग अपनी राय जरूर लिखें कमेंट्स के माध्यम से। और गाइस एक एक स्मॉल सर्कल को परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करना है, तो फटाफट से इसको हम ड्रॉ करते हैं। सो गाइस, दो बार मैं स्मॉल सर्कल दे चुकी हूँ उस पर। ऐसे क्या देते हैं, ये ओपनिंग का डिज़ाइन है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि कौन सा डिज़ाइन है ये। अब इस पर मैं सर जी से पूछ लेती हूँ, इसमें राउंड सर्कल देना है कि नहीं। राउंड सर्कल देना है इसमें? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जो कल वाले पैटर्न में जो हम बना रहे थे ये वाला, उसको दे देते हैं हम। शायद मेरे ख्याल से बड़ा हो गया है, मेरे थोड़ा सा बड़ा बन गया है ये। अब राउंड देने के बाद इसके ऊपर स्मॉल सर्कल,
आज मेरा गुस्सा होने का यही रास्ता है कि काफ़ी लेट हो गया है, शूट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं शूट करूँगी। तो एक बार स्मॉल सर्कल दे दिया इस पर। अब इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी, ये बना दिया हम लोगों ने। इसके ऊपर अब बनाया है आउटलाइन का डिजाइन। अब क्या बनाएंगे आप इसके ऊपर? इसके ऊपर लीव लीव बनाएंगे। बनाइए। आज मैं बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा मैम को, क्योंकि मैम ऑलरेडी आज गुस्से में है। गुस्से में क्यों? गलती करूंगी तो डांटोगे ना? नहीं, मैं नहीं डांटूंगा आपको। लीप बना लेते हैं। अब ये लेयर बना रहे हैं, एक बड़ी लेयर, छोटी लेयर, फिर छोटी लेयर, फिर अगेन वन एक लेयर, फिर चार लेयर देनी है बस। अब क्या बनाओगे? फिर लिप। लिप क्यों बनाओगे? आप ही बनाओ ना। नहीं, मैं लिप बना के फिर उसके बाद ये आउटलाइन ऐसे देके फिर ऐसे ड्रॉप्स फिर यहाँ पे फिर क्लियर कर दूँ। ठीक है, बट अगर आम भी दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर आम भी बीच में। आम भी का फेस इधर से ऐसे आएगा, मतलब इस साइड, जैसे ये वाला फेस इधर है उसके बाद इधर देना है ना। ये ओके ओके। अब इसके ऊपर आउटलाइन दीजिए आप, जो मतलब ऐसे लेयर्स। आउटलाइन से पहले ना आप यहाँ पर आम भी वो सॉरी लीव बनाइए ऐसे। ओके गुड। अब बनाइए इसके ऊपर लेयर, इसके ऊपर ऐसे लेयर्स। हाँ जी, चार लेयर दो बस, चार तो नहीं आ पाएंगे, दो ही लेयर दे दो बहुत है। ठीक बस। ठीक है, अब बनाइए आप जो बनाना चाह रहे थे, एक लाइन फिर दूसरी लाइन। हाँ जी, यहाँ से लूँ? बस। ठीक है, अब सेकेंड। सेकंड मत दीजिए, जगह नहीं बचेगी इधर। इसी के ऊपर बनाइए स्मॉल सर्कल दो बार, इसके इसके ऊपर। हाँ जी, कल से रिलेटेड ही पैटर्न है ये थोड़ा बहुत, लेकिन आज ओपनिंग है। अब जो चीज कल बारीकी सिखा रहे थे सर जी, वही देखो, जितने भी एलिमेंट्स वगैरह या फिर कुछ भी सिखाते हैं मुझे या फिर उनके खुद के चैनल पे जो भी सिखा रहे हैं, वो जितने पैटर्न वो सारे अंदर पैटर्न्स के अंदर आएंगे। देखो, आम भी सिखाया था एलिमेंट्स में, स्मॉल सर्कल था, लीव था, ये सारे पैटर्न के अंदर है, ओपनिंग के अंदर है मेरे। देखो, आपको लीव भी दिख रहा होगा, स्मॉल सर्कल भी दिख रहा होगा, आम भी दिख रहा होगा और फ्लावर भी दिख रहा होगा, मॉडर्न फ्लावर। ये हमने बना लिया। अब दो बार या ऊपर से मोटा और नीचे से पतला, हल्का से।
ठीक है। ठीक है थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा बना रहे हो। ठीक है अब बनाना मॉडर्न आम भी यहाँ पर इधर फेस होगा उसका, नहीं ऐसे ही आएगा और नीचे से टर्न हो जाएगा, मतलब कैसे, ये फेस इधर है, फेस इसका मॉडर्न आम भी का इधर होगा, मॉडर्न आम भी इन द सेंस जैसे आप ये ड्रॉप बना रहे हो ना, हाँ ऐसे ही बनेगा, कोई नहीं जगह नहीं है तो अभी ड्रॉप बना दो, छोड़ दो। बस ठीक है, नो ठीक है अब फिल कर दीजिए आप। फटाफट स्मॉल सर्कल बना देते हैं, ये हो गया। आज ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि लेट नाइट हो चुका था इसी वजह से, तो मैं नॉर्मली ओपनिंग सीखा रही हूँ मतलब। सो गाइस मेरा हो चुका है ये इसमें फिलिंग, अब इन फटाफट हम लोग लीव बना लेते हैं। गाइज देखो लेप बनाना बहुत इजी है लेकिन उसको समझना टफ है, अगर आपके लेयर्स एकदम परफेक्ट आ रही हैं ठीक है तो आप इसको लेप को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। और ध्यान रहे गाइज लेप परफेक्ट तभी आएंगी जब आप अपनी कोन को क्लीन करते रहेंगे बार बार। इसका ये चीज यहाँ दे कि हाँ यहाँ दे, ये चीज यहाँ दे कि यहाँ दे, जैसे बनाया वैसे बनाएंगे ठीक है, मतलब फेस इसका ये वाला सेम यहाँ पे एज़ इट इज, ये जो बोल्ड वाला है ना यहाँ लेयर्स आ रही है ना यहाँ बनाइए बोल्ड, ठीक है यहाँ लेयर दीजिए। एक एक लेयर को परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करना है, डन, वेरी नाइस। तो गाइस ये बहुत ही सुंदर ओपनिंग का डिज़ाइन है, इसको आप मॉडर्न डिज़ाइन लाइक ट्रेडिशनल हैंड कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आज ओपनिंग तो हो ही गया, ओके अब इसके आगे कल बताएंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन आप लोग भी गेस कर सकते हो, इतना सर ने आप लोग को पैटर्न सिखाया है जाहिर सी बात है, तो आप लोग भी गेस कर सकते हो इसके आगे क्या आएगा। कोशिश करना कि मैंने ओपनिंग तो मतलब बताई दिया है, सर ने भी बारीकी से बता दिया है, उसके आगे थोड़ा प्रैक्टिस करना है यार, मतलब कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फिर आप लोग खुद भी कमेंट करना कि मैम जो आपने ओपनिंग सिखाया था उसमें सर का पैटर्न उठा के मतलब इसमें मिला के हम लोगों ने एक हाथ प्यारा सा पैटर्न बनाया, प्यारा सा हाथ मतलब हाथ पे लगाया मेहंदी। और गाइस किसी ने कमेंट किया बड़ा गंदा कमेंट किया कि सर मैम को डांटते हैं इसीलिए मैम के आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं आज है। मैंने बिल्कुल भी नहीं मैम को डांटा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा छोटा बेबी है, सब लोगों ने आपको देखा ही होगा कि मेरे पास छोटा बेबी है, तो उसकी वजह से कभी मेरी नाइट में मतलब नींद पूरी होती है नहीं हो पाती है। हर घर के हर घर मतलब घर में जिसके जिसके छोटे बेबी है उसको वो थोड़ा सा आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गई, ऑलमोस्ट डार्क सर्कल होता है, तो इसी वजह से मेरे डार्क सर्कल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर जी डांटते हैं, इस वजह से डार्क सर्कल हो गया मुझे। तो एक जने ने मेरे से कोन के लिए भी पूछा था कि कोन पकड़ना मैम नहीं आ रहा है हमें, तो मैंने फिर कल बताया था, आज फिर मैं बता रही हूँ क्या है। ये जो पांच फिंगर है, पांच फिंगर की जो ये वाली निशान है जो फर्स्ट निशान है, तो उसको क्या करना है, उसी का कमाल है बस। और ये इसका नीचे कोई भी फिंगर का निशान कोई भी इसका मतलब कवर नहीं होगा। अब देखो ये यहाँ मैंने पकड़ लिया इसको निशान को, ठीक है, अब इसको यहाँ पकड़ रही हूँ, उसके बाद दो फिंगर आगे, एक आगे पाम आगे, और फिर ये दो फिंगर आगे, दो फिंगर ही पीछे, ठीक है। अब देखो ये इस निशान से टच हो रहा है, ये वाला आगे वाला जो निशान है वो यहाँ टच हो रहा है, अब ये जो निशान है ये यहाँ टच हो रहा है, ये ओके है। बस आप लोग निशान को कवर करना कि मेरा निशान जा रहा है कि नहीं जा रहा कोन पे, ठीक है। तो बस अगर अब फिर भी ना आए तो फिर आप लोग फिर बता देना, मैं 10 बार बताऊंगी आप लोग को, जब जब नहीं आएगा तब तब बताऊंगी, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, क्लास मतलब देखो कोशिश तो यही है कि मैंने अच्छा ही बताया आप लोगों को, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और कल मिलते हैं नए दिन की शुरुआत से। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।